सो हेलो एवरीवन, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th मैथ का चैप्टर नंबर 1, रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो हम लोग पहले ये चैप्टर जो रिलेशन एंड फंक्शन है वो क्लास 11th में जहाँ खत्म किए थे, सेम चैप्टर नेम से था, जहाँ खत्म किए थे उसके बाद से स्टार्ट होता है। तो हम लोग 11th का थोड़ा मॉडर्न नॉलेज होना चाहिए, तो ये आज हम लोग देख लेते हैं बेसिक क्लास में, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट होता है ये कहानी एक चैप्टर सेट से। अभी हम लोग समझ लेते हैं सेट क्या होता है। सेट एक कलेक्शन है। सेट क्या है? कलेक्शन है वैसा वैसा ऑब्जेक्ट का, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का, जो सबके लिए माना जाए। जो हम लोग ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, जो हम लोग जिस चीज का सेट बना रहे हैं, वो सबके लिए मान्य हो। जैसे कि हम लोग आज जो एग्जाम्पल अच्छा खासा लेंगे वो लेंगे आईपीएल टीम को लेकर। इस साल तो आईपीएल नहीं हुआ, हम लोग लास्ट ईयर आईपीएल के हिसाब से लेंगे। तो मान लीजिए एक कलेक्शन बनाते हैं हम लोग, जिसमें रखते हैं एक सारा टीम का एक कलेक्शन बनाते हैं, जिसमें हम लोग सेट ऑफ कलेक्शन ऑफ आई टीम कलेक्शन ऑफ टीम्स प्लेड इन आईपीएल 2019, यानी लास्ट साल जो टीम खेला था आईपीएल में, उसका हम लोग कलेक्शन बनाते हैं। तब देखिए यहां पर क्या था, एक आपका था मुंबई इंडियंस, था सीएसके, फिर था आपका दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, फिर था आपका किंग इलेवन पंजाब, केकेआर, आरसीबी, आरआर, मेरे ख्याल से 8 हो गया होगा, 1 2। हाँ, तब यहाँ देखिए ये कुछ 8 टीम है जो लास्ट साल खेला था। तो ये क्या कलेक्शन है? अब ऐसा नहीं कि मैं बोलूँ कि ये कलेक्शन मैं जो बनाया और आप जो बनाएंगे वो अलग कलेक्शन नहीं होगा। आप क्या कर सकते हैं, अधिक से अधिक सीएसके को पहले लिखेंगे, एमए को बाद में लिखेंगे, आरसीबी को यहाँ लिखेंगे और केकेआर को यहाँ लिखेंगे। आप यही कर सकते, लेकिन इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट भरे हैं, ऑब्जेक्ट कहेंगे एलिमेंट, इसके अंदर जो एलिमेंट भर है, एलिमेंट यानी ये सब एलिमेंट जो भर है वो अलग नहीं होगा उसका, और जगह चेंज हो सकता है। एमआई को आप यहाँ लिख सकते हैं एसआरएस की जगह पे, लेकिन आप जो 8 जो लिखे उसके जगह पे आप कहीं आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप पीएसएल का कोई टीम लिख दें, पाकिस्तान सुपर लीग का कोई टीम लिख दें, ऐसा नहीं होगा। क्योंकि आप किसका बना रहे हैं? आईपीएल 2019 का बना रहे हैं, ठीक है। तो वैसा कलेक्शन जो सबके लिए मान्य हो, मेरे लिए जो है वो आपके लिए भी वही कलेक्शन रहेगा, कलेक्शन वही रहेगा। ये जो हम ये नहीं बोल रहे कि वो जगह सेम रखेगा, एम आई को पहले रख, वैसा नहीं बोल रहे हम, कलेक्शन वही रहेगा, एलिमेंट उसमें जो पुट रहेगा वही रहेगा, उतना ही एलिमेंट रहेगा, वही सारा एलिमेंट रहेगा। तो वैसा कलेक्शन वेल डिफाइंड कलेक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? वेल डिफाइंड, यानी कि ये अच्छे से किया हुआ डिफाइन है और ये सबके लिए मान्य है, ठीक है, वो सबके लिए मान्य है। तो यहाँ पर वह चीज है कि वैसा कलेक्शन जो वेल डिफाइंड हो उसको क्या बोलते हैं? सेट बोलते हैं, यानी कि अभी सेट कहलाने के लाइक है, यानी कि ये अब हम लोग क्या बोल सकते हैं, कलेक्शन के यहाँ पे सेट बोल सकते हैं। क्यों बोल सकते हैं? क्योंकि इस कलेक्शन कैसा था? वेल डिफाइंड था। तो हम लोग ऐसा नाम ले सकते हैं सेट ऑफ टीम्स प्लेड इन आईपीएल 2019, तो ये आपका हुआ एक सेट हो गया, सेट आप ऐसे समझ सकते हैं। अब हम लोग कुछ ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं, तो देखिए मान लीजिए कोई ऐसा बनाया, हम लोग एक सेट बनाते हैं, चलिए दो लड़का लेते हैं जिसको आईपीएल बहुत पसंद है, अंकित शिवम। अब हम लोग बोले अंकित को भी बोले क्या कि आप कलेक्शन बनाइए अपना फेवरेट टीम का, आप कलेक्शन बनाइए अपना फेवरेट टीम का, तो वो बनाते हैं। हाँ, इसमें बोला है कि आप कितना ले सकते हैं, 3 टीम का फेवरेट टीम का बनाइए, 8 में से 3 चुनिए जो आपको पसंद है, जिसको आप जितना देखना चाहते हैं। तो ये बनाया सीएसके, दिल्ली कैपिटल्स, सनराइजर्स हैदराबाद, ये बनाया मुंबई इंडियंस, केकेआर और सीएसके। आप यहां देख सकते हैं यहां पर क्या है,
कलेक्शन ये भी किए हैं फेवरेट टीम का, फेवरेट टीम का कलेक्शन इनके पास भी है, ठीक है। और वही फेवरेट टीम का कलेक्शन इनके पास भी है। अब यहां देखिए, ये जो फेवरेट टीम का कलेक्शन है वो अलग अलग जगह पे, जैसे आदमी चेंज कर रहे हैं वैसे आपका कलेक्शन में आपका एलिमेंट चेंज हो जा रहा है। आदमी चेंज कर रहे हैं वैसे ही आपका पसंद चेंज हो रहा है, वैसे ही आपका अंदर एलिमेंट चेंज हो रहा है। जब एलिमेंट अलग हो जा रहा है, किसी भी आप जो कलेक्शन किए हैं उसके एलिमेंट सब चेंज हो सकता है, पर्सन टू पर्सन आदमी चेंज हो सकता है, सब चेंज हो सकता है। तो इसे हम लोग सेट बिल्कुल नहीं कहेंगे, वैसा तो हम लोग सेट बिल्कुल नहीं कहेंगे, यानी कि वैसा कलेक्शन सबके लिए एक जैसा हो, भले वो ये अंकित निकाले भले वो शिवम निकाले। अगर अंकित को भी बोला जाता कि आप कलेक्शन बनाइए जो आईपीएल 2019 खेला, वैसा टीम का कलेक्शन बनाइए जो आईपीएल 2019 खेला है, तो क्या करते हैं जो हम लास्ट ईयर इसके पहले जो बनाया उनका भी वही कलेक्शन होता, इनका भी वही कलेक्शन होता। हाँ, ऑर्डर अलग अरेंज अलग कर सकते हैं, ये हो सकता है केकेआर को पहले कर देते हैं, ये हो सकता है सीएसके को पहले कर देते हैं, ये चीज कर सकते हैं। लेकिन वो अंदर जो एलिमेंट है आठ ही एलिमेंट रखेंगे और अंदर जो है वही सब टीम का नाम रहेगा जो खेला है इनका जो है वही, इसी हम सब सेट कहेंगे। अब आपको समझ में आ गया होगा सेट क्या है, कलेक्शन है वेल डिफाइंड कलेक्शन, सेट इज अ तो यहां से बोल सकते सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, कहीं के इसको एलिमेंट्स अंदर जो रखते हैं हम लोग उसको एलिमेंट्स बोला जाता है, कहीं के इसको ऑब्जेक्ट बोला जाता है, और ऑब्जेक्ट्स और अगर मैथ में बात करें मैथ में क्या मिलेगा पद नंबर मिलेगा, नंबर भी लिखा हो सकता है, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स, ये सेट हुआ आपका, ठीक है। तो एक चीज आता है आपका कि वैसा कलेक्शन बनाइए, एक मन में क्या आता है कि आप वैसा कलेक्शन बनाइए जो जो टीम लास्ट ईयर, वैसा कलेक्शन बनाइए आईपीएल का वो टीम जो लास्ट ईयर पाकिस्तान जाके खेला था, जो लास्ट ईयर पाकिस्तान जाके खेला था। तो आपको ये तो पता होगा कि लास्ट ईयर कोई भी टीम जाके पाकिस्तान जाके नहीं खेला था आईपीएल का, खास करके आईपीएल का। तो हम लोग यहाँ पे क्या होगा उसको जो कलेक्शन बनाएंगे, मान लो कलेक्शन का नाम आप ए दे दिए, ठीक है, कलेक्शन का नाम आप ए दे दिए, जो कलेक्शन बनाएंगे इसके अंदर जो एलिमेंट रहेगा एक भी नहीं है, एक भी टीम नहीं गया था, है ना। आप बनाने के कलेक्शन कुछ भी चीज का हो सकता है, आप इसी कलेक्शन बनाना चाहें, आप क्या कलेक्शन बनाना चाहें कि वर्ल्ड आईपीएल टीम आईपीएल 2019 का टीम जो पाकिस्तान जाके खेला था, तो वैसे तो कोई टीम नहीं है, तो वैसा जो यहाँ पे जो सेट बन रहा है इसको सेट का नाम क्या है, नल सेट या फिर एम्प्टी सेट, जो बोलिए अलग अलग जगह पे अलग नाम है, वर्ड सेट भी बोल सकते हैं, वर्ड सेट, नल सेट, एम्प्टी सेट या फिर वर्ड सेट, जो बोलिए। हाँ, और वैसा सेट को डिनोट करने के लिए खास तरह का सिंबल दिया गया फाइव, खास तरह का सिंबल दिया गया फाइव। ये चीज समझ में आ गई, नल सेट क्या है जिसमें एक भी एलिमेंट मौजूद ना हो, ठीक है। अब एक चीज और, ये जो आप ब्रैकेट दे रहे हैं, देख रहे हैं मिडिल वाला जो ब्रैकेट बोलते हैं इसको, ये जो ब्रैकेट देख रहे हैं आप, ये ब्रैकेट एक बहुत खास ब्रैकेट होता है, क्योंकि ये जब तक नहीं रहेगा तब तक आप कलेक्शन को सेट के रूप में हम जा नहीं सकते हैं। जब तक आपको सेट बनाना है, सबसे पहले कलेक्शन के दोनों तरफ आपको ये देना होगा, कलेक्शन के दोनों तरफ आपको ये तरह का ब्रैकेट देना होगा। अब ये जो ब्रैकेट कहीं आप अगर ये देते हैं तब हम लोग इस सेट के लिए इसको यूज नहीं करते हैं,
कभी इसको सेट क्लीज नहीं करते हैं, ना ही इसको यूज करते हैं। हम लोग कौन सा ब्रैकेट यूज करते हैं? ये वाला ब्रैकेट यूज करते हैं, ठीक है। अब जो 10 तो एलिमेंट हम इसके अंदर रखना चाह रहे थे, 8 हुआ एपीएल टीम का जो नाम इसमें रखना चाह रहे थे, सबको देखेंगे हम कोई से अलग किए थे, कोमा से अलग किए थे। हाँ, जैसे ही कोमा, अगर यहाँ पर कोई आर है, यहाँ पर कोई एम है, तो आर एम को अलग, अगर अलग अलग एलिमेंट है तो ये आपका स्टेप का अलग होगा, यानी कोमा जैसे अलग हो गया सेट के अंदर, तो अलग एलिमेंट का अलग आना स्टार्ट हो जाएगा। फिर से जो नाम दे दिए थे हम लोग, KKR CSK, अब इसको अलग कैसे करते हैं, हम लोग कोमा की मदद से करते हैं। कोमा बीच में पड़ गया यानी कि वो अलग अलग एलिमेंट हो गया, ठीक है। अब एक और काम करते हैं हम लोग, अब एक और काम क्या करते हैं, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। चलिए फिर से हम लोग बनाते हैं सेट, या फिर ऐसे बोल जाए तो कलेक्शन ही, अगर उस सेट के लायक हो तो सेट नाम दे देंगे उसको, ठीक है। तो मान लीजिए कि पहला कलेक्शन बनाते हैं, यहाँ देखिए हम लोग पहला लेते हैं, लास्ट तक आपको समझ में आ गया होगा क्या होता है सेट। अब फिर से देखिए, हम फिर से जो पंचांगते सेट है या फिर नहीं, कलेक्शन क्या लिए, कलेक्शन ऑफ टीम्स प्लेड इन आईपीएल 2019, एक कलेक्शन ये है जो वैसा टीम का जो आईपीएल 2019 खेला, कलेक्शन मेरे ख्याल से आपका भी यही कलेक्शन होगा। बस क्या होगा, KKR को आप बाद में कर देंगे, मुंबई इंडियंस को पहले लिख देंगे, वो बात कर चीज है। तब यहाँ देखिए तो ये क्या होगा, सेट होगा, क्योंकि कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, कलेक्शन क्या है, वेल डिफाइंड है, तो क्या होगा, ये सेट होगा। मान लीजिए नाम देते सेट ए, सेट है ये, और सेट का हम एक नाम देते ए, कि एक अगर हम कहीं बोले कि सेट ए आप यूज कीजिए, तो आप कौन से यूज करेंगे, इसको, ठीक है। अगर इसका क्वेश्चन बना रहे हैं, इससे रिलेटेड अगर आगे बढ़ रहे हैं, अगर हम बीच में कहीं सेट ए यूज कर रहे हैं, तो हम लोग सेट ए इसका नाम दे दिए, ठीक है, ऐसे इतना यूज होगा नहीं। फिर देखिए दूसरा कलेक्शन, कलेक्शन ऑफ टीम्स दैट दैट यूज करना चाहिए, दैट क्वालिफाइड आईपीएल 2019, वैसा टीम का आप कलेक्शन बनाइए जो कि आईपीएल 2019 क्वालिफाई किया है। तब यहां देखिए क्वालिफिकेशन कौन सा था, जो ये लास्ट में जो टॉप चार टीम जो बचता है, टॉप फोर टीम जो बचता है, टीम्स जो बचते हैं, वही आपका कलेक्शन क्वालिफाई की जरूरत है। टेबल देख लीजिए ना, जो जो टॉप फोर टीम होगा उसको पहले क्यों ऐसे करके लगा हुआ होगा, ये आपका क्वालिफिकेशन जो टीम किया था सबका तो यही बनेगा कलेक्शन। कलेक्शन तो आपको आर आर मिलेगा नहीं, क्योंकि आर आर क्वालिफाई किया नहीं था, आपको आर सी बी मिलेगा नहीं, क्योंकि आर सी बी क्वालिफाई किया नहीं था, तो आपको कलेक्शन क्या है, यही चार टीम का बनेगा, ठीक है। तो ये चार टीम अब वेल डिफाइंड है, बिल्कुल दिख रहा है, तो क्या भैया ये हो गया आपका सेट, ऐसे का नाम दे देते हम लोग, चलिए सेट का नाम देते सेट बी, ठीक है। अब थर्ड नंबर पे आइए, कलेक्शन ऑफ टीम्स, वैसा टीम्स का आप कलेक्शन कीजिए जो वो कम से कम एटलीस्ट वन मैच जीता है, कम से कम वो एक मैच जीता है, वैसा टीम का आप कलेक्शन कीजिए जो कम से कम एक मैच जीता है। तब यहां देखिए कलेक्शन क्या, वही CSK कम से कम एक मैच तो जीता ही, ये तो फाइनल पहुंचा था, ये भी RCB भी कम से कम एक मैच तो जीता ही था, RR भी जीता था, तो आपका एक कलेक्शन तो चेंज होगा नहीं, है ना, कलेक्शन तो चेंज होगा नहीं। तब आप जो बड़ा जो मेन सेट ले रहे थे हम लोग, मेन सेट का हम लोग नाम ले रहे थे, मान लीजिए सेट जो हम लोग जिसके चीज देखने वाले हैं, इसका सब पार्ट लग रहा कि नहीं लग रहा, जो सेकेंड वाला जो सेट है, फर्स्ट वाला सेट का पार्ट लग रहा है ना, क्या है पार्ट ऑफ सेट है ना, पार्ट ऑफ सेट ए, पार्ट ऑफ सेट ए करने का मतलब क्या, जो इसमें जो एलिमेंट है वो सब सेट ए का मिल जाएगा आपको, इसका जो चार एलिमेंट है चारों चार यहां पे मिल जाएगा आपको, इसका जो चार एलिमेंट है चारों चार यहां पे मिल जाएगा, ठीक है। तब यहां देखिए इसका जो एलिमेंट है चारों चार यहां पर मिल जाएगा, तब हम लोग क्या बोल सकते हैं, इट इज द पार्ट ऑफ सेट बी इज पार्ट ऑफ सेट ए, बोला जा सकता है सेट बी इज पार्ट ऑफ
सेट बी इज पार्ट ऑफ सेट ए। ठीक है, अब देखिए हम लोग मैं तुम्हें इस चैप्टर में यूज करता हूं पार्ट ऑफ को रिप्लेस कर देते हैं सब सेट। सबसेट मतलब पार्ट ऑफ सेट, सबसेट मतलब पार्ट ऑफ सेट। तब यहां देखिए पार्ट ऑफ सेट यानी कि हम लोग क्या बोल सकते हैं सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए, सेट बी इज सबसेट ऑफ सेट ए। ये क्लियर हो गया? पार्ट की जगह हम लोग क्या यूज कर सकते हैं सबसेट यूज करते हैं यहां पर। एक नया टर्म आ गया हम लोग का सबसेट, यानी कि जिसका पार्ट हम लोग दिखाना चाह रहे हैं, जिसका पार्ट हम लोग दिखाना चाह रहे हैं उस सेट का हम लोग क्या बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। उस सेट का हम लोग क्या बोल सकते हैं यूनिवर्सल सेट। जिसका पार्ट हम लोग दिखाना चाह रहे हैं उस सेट का क्या बोलेंगे हम लोग यूनिवर्सल सेट। और जो जो पार्ट है उसका नाम क्या बोलेंगे सबसेट, यानी कि फर्स्ट नंबर वाला यूनिवर्सल सेट हुआ ये इसका पार्ट हुआ सबसेट हुआ। ठीक है, फर्स्ट नंबर वाला अगर यूनिवर्सल सेट हुआ सेकंड सेट भी जो है वो पार्ट है उसका यानी सबसेट है। यानी कि यहाँ पर हम लोग एक चीज देख चुके हैं क्या कि यूनिवर्सल सेट यानी जिससे हम लोग का पार्ट अगर देखना चाह रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट कौन सा देखें ए के हिसाब से चेक कर रहे हैं, ए का पार्ट है यानी ए का पार्ट बी है नहीं, और अगर सबसेट कौन किसको चेक कर रहे हैं सबसेट बी। तो हम लोग यहाँ पे एक रिलेशन मिला भी हम लोग इसके पहले हम रफ कर दिया दिखा था ना कि सेट बी इज सबसेट, सेट बी इज सबसेट ऑफ ए, यानी कि बी क्या है। अब सबसेट के लिए सिंबल यूज किया जाता है ये वाला यू, यू अपर राइट तरफ इसे मुड़ा हुआ। ठीक है, बी इज सबसेट ऑफ ए, बी इज सबसेट ऑफ ए। अब एक से बात मैं बता देता हूं आपको, सबसेट जो होता है यूनिवर्सल सेट क्या है तो पार्ट होता है, सबसेट जो है यूनिवर्सल सेट क्या है तो पार्ट है, या फिर वो यूनिवर्सल सेट के बराबर भी हो सकता है। जैसे इस एग्जांपल में हमको दिख रहा है, इसे हम ये भी एग्जांपल लिए हम ये जो कलेक्शन बना वो दूसरा मेटर से बनाए थे, हमको ये नहीं पता था इसका बराबर आ जाएगा, हम सिर्फ क्या किए आईपीएल टीम का ही बनाए बस, हम लोग कलेक्शन अपर किसका किए कम से कम एक मैच जीता था उसके कलेक्शन किए, कम से कम एक मैच जीता था सारा टीम जीता था। ऐसा भी हो सकता है ना कि मान लीजिए कि आरसीबी एक भी मैच ना जीता हो तो उस टाइम वो केस में नहीं आता, लेकिन इस केस में आ जा रहा आईपीएल 2019 में हर टीम कम से कम एक मैच जीता है। तो आगे यहाँ पर हम लोग इस चीज क्या देख सकते हैं कि जो आप सबसेट बना रहे हैं ये भी हो सकता है कि वो इसका पार्ट इसके बराबर आ जाए, यानी कि सबसेट जो है यहाँ पर सी मान लीजिए क्या सेट सी, सेट तो है क्योंकि आपका कलेक्शन चेंज नहीं होगा वेल डिफाइंड है, सेट सी, सेट सी क्या है क्या यहाँ पर इक्वल टू आ रहा है यूनिवर्सल सेट का यानी सेट ए का। ठीक है, सेट सी जो है इक्वल टू आ रहा है, तो हम लोग यहाँ पर देखा जा सकता है कि जो हम लोग जो सबसेट होता है अगर यहाँ पर क्या देखा जाए इक्वल टू है सेट, सबसेट भी हम इसको मान के चल रहे हैं, सबसेट भी मान के चल रहे हैं और इक्वल टू भी आ रहा है। इस टाइम हम लोग सिंबल क्या यूज करेंगे सी इज सबसेट एंड इक्वल टू ऑफ ए। होप आप लोग को यहाँ पे सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा, सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, सिंबल का मतलब समझ में आ गया होगा क्या है कि ये क्या बता रहा है बी सबसेट ऑफ ए, ए के रिस्पेक्ट में देखा सारा काम इसी का है। और यहां पर देखिए सी इज सबसेट एंड इक्वल टू ऑफ ए, यानी सी क्या है इक्वल टू, इसमें जितना एलिमेंट है उतना एलिमेंट इतना इसमें भी है और वही सब एलिमेंट भी है। ठीक है, अब हम थोड़ा सा क्या है कि यहाँ पे हम लोग सबसेट को देख लेते हैं, सबसेट क्या देखते हैं सबसेट अगर हम मान लीजिए हाँ यही अगर हम लोग मान लीजिए इसको यूनिवर्सल सेट लेके चलते हैं, इसको यूनिवर्सल सेट लेके चलते हैं तो हम लोग यहाँ बस ना बी में जितना एलिमेंट था सब सी में आ रहा है, बी सबसेट ऑफ सी भी कहा जा सकता है। ठीक है, और अगर यूनिवर्सल सेट उसको लेके चल रहे हैं सी इस सबसेट ऑफ खुद का सी भी कह सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, सी क्या है खुद का सबसेट कह जा सकता है और इक्वल टू भी कह सकता है और ए का भी ए भी कहा जा सकता है इसका। अब यही अगर आप यूनिवर्सल सेट किसको लेते हैं सेट बी को लेते हैं
ठीक है, तब देखिए अब ये कहना सही रहेगा क्या, ए में जितना एलिमेंट है, ए में जितना एलिमेंट है सारा एलिमेंट बी में पाया जाता है क्या? नहीं पाया जाता। बी क्या था? बी में सिर्फ आपका एम आई था, सी एस के था, डी सी था और एस आर एस था। जबकि ए में क्या था? सारा टीम था। ठीक है, तो ए में आपका आरसीबी पाया जाता, आरसीबी मिला क्या यहां पर? नहीं मिला। यहां पर सबसे गाना रॉन्ग हो जाएगा, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हम लोग एक चीज आपका सी के लिए भी है। सी हम लोग सबसेट ऑफ बी नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि सी में जितना एलिमेंट है सब बी में नहीं पाया जा रहा है। ये चीज समझ में आ गया होगा। तो हम लोग सबसेट समझ में आ गया होगा। सबसेट इज द पार्ट ऑफ सबसेट, सॉरी इतना हम लोग डिफिनेशन पे नहीं जाना, हम लोग समझना है, क्योंकि डिफिनेशन का काम 11 तक था, ट्वेल्थ में आपका यूज होगा, और यूज होगा तो उसको समझना जरूरी। सबसेट इज पार्ट ऑफ सेट ए, सॉरी पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट। अब जैसे कि एक एग्जांपल मान लीजिए क्या था, हाँ एग्जांपल जो ये था हम लोग की वैसा टीम का कलेक्शन बना जो पाकिस्तान जाके खेला था, तो वैसा टीम का कलेक्शन में क्या आया था? फाइव आया था, नल सेट था ना, नल सेट को कैसे इग्नोर करेंगे? फाइव से। तब देखिए तो इसको हम सबसेट कह सकते क्या? बिल्कुल कह सकते, क्योंकि ये जो है आपका फाइव एक ऐसा सेट है, ऐसा सबसेट है, ये आप लिख सकते हैं, वैसा सबसेट है जो कि हर सेट में पाया जाता है, जो कि हर सेट में पाया जाता है। यहाँ पर टू थ्री भी रहेगा, यहाँ पर आप फाइव रहा लिख सकते हैं। ये बात अलग है, वहां पे लिखा बहुत ज्यादा नहीं मिला, लेकिन वहां पर रहता है। ठीक है, नल सेट सब में पाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए आप थोड़ा सा इतना लॉजिकल रीजन नहीं है, आप ऐसे देख सकते हैं कि मान लीजिए पांच, अगर है पांच में जीरो जोड़ते हैं तो कितना पांच ही ना आएगा, वो अलग केस है। यहाँ पर क्या, अगर एक आप एक ऐसा सेट आप ऐड कर देते हैं जिसमें आपका एक ऐसा सबसेट आप ऐड कर देते हैं जिसमें आपका यथ ही नहीं है, कोई एलिमेंट ही नहीं, उसका फर्क वहां पर पड़ेगा ही नहीं। ठीक है, तब यहाँ देखिए मान लीजिए कोई यूनिवर्सल सेट आप लिए, कोई यूनिवर्सल सेट लिए, यूनिवर्सल सेट लिए जिसमें आप कितना लिए, एन एलिमेंट्स लिए। हाँ ये चीज, और यहाँ पर जो है एलिमेंट्स का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए, एलिमेंट्स का नाम रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, एलिमेंट्स का नाम रिपीट नहीं, ऐसा नहीं कि आप जो सेट बनाए कि क्या उसमें दो दो बार लिख दें, नहीं वो चीज नहीं रखना चाहिए। उस सेट का रूल है, सेट का रूल क्या है कि उसके अंदर जो एलिमेंट्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है वो रिपीट नहीं होना चाहिए, उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उस वो रिपीट नहीं होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए यूनिवर्सल सेट में एन एलिमेंट्स है, सब अलग अलग है, इसके लिए हम यूज करते हैं वर्ड, यूज करते हैं डिस्टिंक्ट, एक वर्ड यूज करते हैं डिस्टिंक्ट। ठीक है, हम लोग ये चीज ध्यान दे सकते हैं कि सेट इज द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, या फिर बोल सकते हैं सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्टिंक्ट नंबर। ठीक है, तो वेल डिफाइंड कलेक्शन, ठीक है, डिस्टिंक्ट एलिमेंट का, तो मान लीजिए कितना एन डिस्टिंक्ट एलिमेंट था उसमें, एन अलग अलग एलिमेंट था, तो नंबर ऑफ, हम लोग देख रहे हैं कि ये भी एक सबसेट बनाया था, एक यहाँ पे सबसेट बनाया था, और भी आप अलग अलग बना सकते हैं। आप ऐसा बना सकते हैं कि वैसा टीम का बना ही है, वैसा वैसा टीम का कलेक्शन बनाइए जो कि क्वालिफाई नहीं किया था, अलग सेट बन गया। ठीक है, आप वैसा टीम का बनाइए जो कि फाइनल खेला था, तो दो एलिमेंट जो मुंबई इंडियन चेन्नई सुपर किंग, उसका एक अलग सेट बन गया। ठीक है, वैसा टीम का बनाइए जो कि कम से कम पाँच में छा रहा हो, कम से कम पाँच में छा रहा, तो अलग बन गया। तो वैसा कितना सेट बन सका, वैसा कितना सबसेट बन सकता है, जो बड़ा वाला सेट जो था उसका कितना सबसेट बन सकता है, वो कितना पॉसिबल है, देखिए यहां पर नंबर ऑफ सबसेट, जैसे कि ये, अच्छा मैं अभी सबसेट क्या फॉर्मूला, टू टू दी पावर एन, फॉर्मूला क्या है, टू टू दी पावर एन, यानी कि जब हम लोग यूनिवर्सल सेट में क्या लिया था, आठ एलिमेंट लिए थे ना, यूनिवर्सल सेट में आठ एलिमेंट लिए थे, क्योंकि आरसीबी मुंबई सीएसके सब लिए थे,
आठ एलिमेंट कितना तरफ सबसेट बन सकता है, पॉसिबल कितना है, पॉसिबल मैथ के हिसाब से कितना है, 2 to the power 8। ये जो आप आंसर का सॉल्व होगा उतना पॉसिबल है। इतना क्वेश्चन में आ गया नंबर ऑफ सबसेट पॉसिबल, ये रहा। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग कि ठीक है ये हम 50 का सॉल्व में आ गया, सबसेट कितना पॉसिबल है ये सॉल्व में आ गया। अब इतना के बाद मैं खत्म करता हूँ, एक छोटा सा जो डाउट होता सब के पास उसको लेकर के, वो डाउट मैं बता करके बेसिक क्लास ये खत्म करता हूँ, फिर अगला दिन में अगला क्लास में देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। यहाँ देखिए जैसे कि आप हाँ सचिन तेंदुलकर रिटायर्ड हैं, तीन प्लेयर लिए इंडियन प्लेयर वीरेंद्र सहवाग और गौतम गंभीर, हम इन लोगों को बोले क्या, इन लोगों से क्या बोले है सीनियर हैं, तब यहाँ देखिए इन लोगों से क्या बोले हम कि आप जो है अपना फर्स्ट फेवरेट टीम और सेकंड फेवरेट टीम आईपीएल 2019 का, किसका आईपीएल, अगर ये साल हुआ होता आईपीएल तो मैं उसी का एग्जाम्पल लेता, लेकिन हुआ नहीं। देखिए आईपीएल 2019 का आप एक फर्स्ट फेवरेट टीम और सेकंड फेवरेट टीम का एक सेट बनाइए, एक कलेक्शन बनाइए, सचिन तेंदुलकर जो बोल देंगे उनके हिसाब से तो वो वही रहेगा। हम किसका मान रहे हैं, हम तो ऐसा नहीं मान रहे कि हम घोषणा कर दे रहे फर्स्ट फेवरेट टीम है सेकंड टीम, सचिन तेंदुलकर अपने आईपीएल 2019 खत्म जो हो चुका है उसके हिसाब से उसके बाद चुन रहे हैं कि आप अपना फेवरेट टीम बताइए जो आपको पसंद आए, जीता या नहीं जीता बात अलग है, जीता या नहीं जीता बात अलग है। तब याद दीजिए सचिन तेंदुलकर क्या बोले, मेरा पहला फेवरेट है एमआई, फिर है सीएसके। वीरेंद्र सहवाग क्या बोले, मेरा पहला फेवरेट सीएसके, फिर है आरसीबी। ये क्या बोले, मेरा फेवरेट पहला क्या सीएसके और दूसरा हो गया या फिर सीएसके ज्यादा हो जा रहा है, केकेआर और डीसी, अपने आप ले लिए। अब क्या ये सेट है, अब ये क्या सेट है, पहली बात हमको क्या करना होगा, ये ब्रैकेट का यूज नहीं करनी, हमको ब्रैकेट कौन सा यूज करना है, सेट अगर करना है तो ये यूज करना है। अब एलिमेंट्स को जो अलग अलग एलिमेंट्स था पहला दूसरा का वो अलग किया गया बिल्कुल कॉमन मतलब से किया गया, तब हम लोग आगे देख सकते कलेक्शन को भेज सकते हैं। तब देखिए सचिन तेंदुलकर जो बोल दिया उनके हिसाब से वही रहेगा, कहीं भी अगर न्यूज पेपर में अगर छपेगा या फिर कहीं अगर आज तक में दिखाया कहीं भी कोई न्यूज चैनल में दिखाता है तो क्या बोलेगा, सचिन का पहला ये दूसरा ये, हर जगह ही बोलेगा। ठीक है, तो वही चीज है कि फेवरेट टीम तो हाँ यहाँ कंफ्यूजन हो सकता है कि सर आप इसके पहले दिन आप बोलिए फेवरेट टीम का चेंज हो सकता है, तो हम लोग इंसान के हिसाब से देखते कि हम लोग चाह रहे थे कि एक ओवरऑल फेवरेट टीम लिख दे पेपर में और बोल दे कि पूरा पब्लिक यही फेवरेट है, पूरा पब्लिक का नहीं ना, कम से कम 10 आदमी होगा जिसको ये पसंद नहीं आएगा, ठीक है वो चीज़ था। लेकिन सचिन तेंदुलकर का जो आप न्यूज लिख रहे हैं वो क्या है, वो सचिन तेंदुलकर का सिर्फ फेवरेट का बारे में लिखे, आप ये पब्लिक ओपिनियन नहीं दे रहे थे उस टाइप का, इसको भी अगर सेट अगर क्वालिफाई करना सेट के लिए जाना पहले ये कॉमन आना चाहिए, सॉरी ये वाला ब्रैकेट रहना चाहिए। अब यहाँ देखिए अब हम चाहते हैं कि तीनों का जो फेवरेट था हम एक सेट बनाते हैं, बड़ा सा एक यूनिवर्सल सेट बनाते हैं, तीनों जो सबसे तीनों छोटे छोटे सेट है जो छोटे छोटे सेट है उसके एक बड़ा सा एक सबसेट बनाते हैं, सॉरी बड़ा सा एक सेट बनाते हैं यूनिवर्सल सेट। तब यहाँ देखिए क्या करें हम, एक ये बना कर लाए, एक आदमी ये बना कर लाया, अब इसमें पहला ही गलती क्या हो गया, पहला ही गलती हो गया कि ये दो दो बार रिपीट करके होगा तो ये एक ही बार, ठीक है। तो पहला गलती ये एलिमेंट डिस्टिंक्ट होना चाहिए, जितना एलिमेंट है वो अलग अलग होना चाहिए, ठीक। अब ये चीज हो गया, अब आगे आते हैं हम लोग कि ये जो है पहली बात ये लीजिए एक सेट बन गया, सेट बन गया। अब इसमें हम मान लीजिए कि सेट ये तीनों का हम बना दिए फेवरेट को उठा करके,
यानी कि इतना हम जान के गया, गौतम गंभीर का कोई फेवरेट बोल देगा इसी में से होगा कोई, इसी में से होगा कोई, ठीक है, इसी में से दो टीम उठाना होगा क्योंकि ये पे सब करा हुआ। अब एक ऐसा सेट बनाते हैं, चलिए एम आई कॉमा सी एस के, सी एस के कॉमा आर सी बी, के आर कॉमा डी सी। अब यहां देखिए ये सेट है, सेट के लिए आपको ये जरूरी था है, सेट के लिए आपको कॉमा बीच में एलिमेंट को अलग करने की जरूरत था है। अब यहां देखिए ये एलिमेंट है क्या, एलिमेंट है क्योंकि ये भले दो है लेकिन एक ब्रैकेट के अंदर नहीं, एक सिंगल एलिमेंट कहेंगे इसको। पूरा सेट जो हम लोग पी सेट का नाम पी अगर देते हैं तो पी का एक एलिमेंट ये हुआ। हम क्या बोल रहे हैं आपको, रुकिए मैं बताता हूँ, आपको कन्फ्यूजन यहाँ पर है वही मैं क्लियर कर रहा हूँ, अब कन्फ्यूजन मैं खुद खोल के देता हूँ आपको। मान लीजिए इस सेट का नाम लेते हैं पी। अब क्वेश्चन आता है कि बताइए पी बिलोंग्स टू, सॉरी एम आई बिलोंग्स टू पी, यानी कि बिलोंग्स टू यानी कि उसमें मौजूद है, यानी उससे वो मौजूद है। तब यहां देखिए इसको पढ़ने के अंदर क्या, एम आई इज एलिमेंट ऑफ सेट पी, एम आई इज एलिमेंट ऑफ सेट पी। तब देखिए तब इसको सही होगा कि गलत, हम आपको छोड़ते हैं, पहले हम एक और बता देते हैं, एम आई कॉमा सी एस के इज एलिमेंट ऑफ पी। हम पहले बोले एलिमेंट कौन होगा, ये होगा ना कि एम आई केवल, क्योंकि अब यहाँ पे क्या आ गया, अगर यही चीज आपको पहले वाला जिसके पहले जो यहाँ पर दिया हुआ था जिसमें सब एक साथ लिखा हुआ था उससे का अगर क्यों नाम लेते हैं तो क्यों का वो एम आई होगा लेकिन पी का नहीं सोचता, क्योंकि पी का एलिमेंट ये है, पूरा एलिमेंट है। आप जैसे कि आप मान लीजिए ये आपका हो गया सर, ये हो गया आपका धर, ये हो गया हेड, ये हो गया बॉडी, ठीक है। तो यहाँ मान लीजिए कि एक पूरा बंधन यहाँ पर है, एलिमेंट के रूप में एक पूरा बंधन है, आप सिर्फ उसका धर को थोड़े इसका प्रति बोल सकते एलिमेंट, वो चीज थोड़ा सा क्लियर करना होगा, ठीक है। आई होप आप लोग समझ में आ गए होगा। जैसे कि मान लीजिए कि अगर एक न्यूमेरिकल हम लोग एग्जांपल लेते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल क्या, 1 2 3 4, अगर यहाँ पर बोल दे कि मान एम सेट का नाम एम, तो मान लीजिए कि वन बिलोंग टू एम लिखा हुआ, नहीं वन बिलोंग नहीं कर रहा, बिलोंग कौन कर रहा, वन टू बिलोंग कर रहा, बिलोंग टू एम, ठीक है। इतना अगर इसके बाद भी आपको अगर इस टॉपिक सेट और सबसेट से दिक्कत होता है इतना अच्छा से बताने के बाद भी, तब आप आराम से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हमसे रिप्लाई दे देंगे, या फिर आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। हम लोग आज क्या पढ़े, बेसिक क्लास लिए थे हम लोग, सेट समझ लिए अच्छे से, सेट जितना जरूरत है 12th क्लास के लेसन फर्स्ट में जाने जरूरत है, क्योंकि अगर हम सेट नहीं जाना तो हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं जान पाएंगे, और कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं जाने तो रिलेशन नहीं जानेंगे, रिलेशन नहीं जाना तो फंक्शन नहीं जाने पर चैप्टर बेकार, ठीक है। तो हम लोग क्या जाना, सेट जरूरी था, सबसेट जरूरी था, और सेट के अंदर एक हम लोग देखें नल सेट, नल सेट में एक भी एलिमेंट नहीं रहता, हम एग्जाम्पल भी देख चुके थे। एक देखें हम लोग यूनिवर्सल सेट जिसमें सारा एलिमेंट आ जाए, ठीक है। एक देखें हम लोग सबसेट, सबसेट यानी यूनिवर्सल सेट का जो पार्ट रहता है, ठीक है, अलग अलग कलेक्शन जो कि उसके अलग अलग कलेक्शन जिसका एलिमेंट आपको यूनिवर्सल सेट में मिल जाए तो यूनिवर्सल सेट का वो पार्ट हो गया, सबसेट हो गया। सबसेट का सिंबल यू जो था आपका मुड़ा हुआ था, ये हॉरिजॉन्टल में था, वो यू हो गया। इतना आपका समझ में आ गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में देख लेते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट के बाद हम लोग धीरे धीरे फिर रिलेशन को डिफाइन कर लेंगे, ठीक है।